कि मुझे कपड़े प्रेस करने के लिए इस्त्री नहीं मिलती थी जी। मैं फ्राइंग पैन में, भाई बीबी तुम्हारे पास मोबाइल फोन मौजूद था, तुम्हें एक लग्जरी, तुम्हारे पास LCD मौजूद थी, तुम तुम्हारे अपने इंटरव्यू के मुताबिक आप नाइटी पहन के फिरती थी। मरियम, हम तुम्हारी तरह झूठी जुल्म की दास्तान नहीं सुनाएंगे। सबसे बड़ी झूठी दास्तान क्या थी कि मुझे कपड़े प्रेस करने के लिए इस्त्री नहीं मिलती थी जी। मैं फ्राइंग पैन में, भाई बीबी तुम्हारे पास मोबाइल फोन मौजूद था, तुम्हें एक लग्जरी, तुम्हारे पास LCD मौजूद थी, तुम तुम्हारे अपने इंटरव्यू के मुताबिक आप नाइटी पहन के फिरती थी, तो आपको इस्त्री नहीं मिली। इतना बड़ा जुल्म हो गया। मरियम इस्त्री, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो असल जिद्दोजहद होती है ना, उसके आगे अभी आपका आप और आपका पूरा खानदान पैदा भी नहीं हुए। वो जो जिद्दोजहद होती है उसके लिए जज्बा चाहिए, उसके लिए ईमानी ताकत चाहिए, उसके लिए मकसद चाहिए, उसके लिए प्लास्टिक सर्जरियाँ और ये बड़ी बड़ी ब्रांड की दुकानें बंद के फिरना नहीं होता। उसमें आप अपनी जात को रोलते हो, आप मिट्टी के साथ मिट्टी होते हो, जैसे मेरा कायद रुला जैसे हम रुले, और हम आज के दिन तक फखर से रुल रहे हैं। मजा ये है कि हमें पता है कि इसके नतीजे में हम अपनी आने वाली नस्लों को तोहफा देके जाएंगे, एक आज़ाद पाकिस्तान का तोहफा, हकीकी आज़ादी वाला तोहफा, जिसमें कभी किसी को नामालूम अफराद ना उठाएं, जिसमें कभी किसी को किसी के ऊपर झूठी दहशतगर्दी की FIR ना हो। मेरे ऊपर 10 से ज़्यादा मुकदमे बनाए गए दहशतगर्दी के, आज मैं आई हूँ गिरफ्तारी देने, आओ हिम्मत है तो पकड़ो। मेरे मियाँ के ऊपर बम बनाने का पर्चा किया गया, मेरे मियाँ पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल इस मुल्क के ईमानदार बिजनेसमैन और ईमानदार सियासतदान है। क्या हम दहशत कर दें? और हमारे कारकुनान के ऊपर जो जुल्म ढाए गए, फवाद चौधरी मेरा भाई, उसके मुंह पे काला कपड़ा डाला गया और दहशतगर्द दनदनाते फिरते हैं। दहशतगर्दों के साथ अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं। हमें अब कोई नहीं हटा सकता, मेरे अल्लाह की मर्जी जब तक ना हो। अवाम हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हम आपसे, आपके हल्क से हकीकी आज़ादी छीनेंगे, रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं आखिर में बताना चाहती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ, बेहतर है आ जाओ, वरना मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ, जो झूठे ओछे कंडे ये बंद करो। हमारा सियासी जमहूरी इख्तियार और राइट है कि हम यहाँ पे पुरअमन प्रोटेस्ट भी करें, हम जमान पर बैठते हैं, आपकी गाड़ियाँ आ जाती हैं। आखिर में मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहती हूँ, बेहतर है आपको जिस मकसद के लिए तनख्वाह मिलती है वो अपना काम पूरा करो। बड़ी मुश्किल से आप इस बात पे एक बयान पे तो आए हो, जब प्रेसिडेंट अलवी ने तारीफ दे दी है तो आपने कह दिया कि हम इलेक्शन के लिए तैयार है। अब ये तैयारी कभी मानते हो कभी नहीं मानते हो, कभी चिलमन के आगे आते हो कभी पीछे जाते हो, अब आओ निकलो और इलेक्शन कराओ। आपका ये काम है, आपको सिर्फ एक काम के लिए हम पैसे देते हैं, वो है इलेक्शन करवाना। और अगर हम आपको कहते हैं कि आप ताबे हों, उनके मुंशियों का माइंड करते हो, तो बनो ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बनो ना, फिर आके इलेक्शन कराओ। फिर मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, अपने मुल्क के इदारों से बहुत बर्बादी हो गई, आपकी और हमारी आंखों के सामने बर्बादी हो गई। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो हम आखिरी खून के कतरे तक इस मुल्क को ठीक करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। आपको चाहिए कि अब आप इस मुल्क को, जितना डूब चुका है डूब चुका, अब बस कर दें, काफ़ी हो गई, बहुत हो गई है। आप इस मुल्क के साथ मजीद तजर्बा नहीं कर सकता, कोई भी आपका तजर्बा इस मुल्क को मजीद बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। गरीब आवाम पैसों के बस जमीन नहीं खरीद पा रहा, पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, हो चुका है। और आखिर में मैं अपने तमाम पाकिस्तान के अंदर जो सुनने वाले हमारे लोग हैं उनको कहना चाहती हूँ, अब पुलिस के पीछे हम भागेंगे, अब पुलिस के पीछे हम जाएंगे कि आओ हमें अरेस्ट करो। बहुत तमाशा हो गया, बहुत इन्होंने चक्कर लगा लिए। अच्छा। और आज इंशाल्लाह पाकिस्तानी आवाम जीत चुकी है, लाहौर ने साबित किया है कि हम घबराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम आपको डराएंगे।